आर यू चैंपियन? कुछ लोग सोच रहे हैं कि हूं कि नहीं हूं। आर यू चैंपियन? अभी भी कुछ लोगों की आवाज आई है, कुछ बोल रहे मैं नहीं हूं, बाजू वाला है। आर यू चैंपियन? वी ऑल आर चैंपियन, क्योंकि आज अगर हम यहां पर है, इस हॉल के अंदर है, मतलब हम चैंपियन बनने वाले हैं। ब्रह्म आगे बात करते हैं। कैसे आज जो हमारा सेशन चलेगा, उस सेशन के अंदर जिस जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें रहेगी। आज हम बात करेंगे सेल्स का ग्रोथ फैक्टर्स क्या होता है, जिसके ऊपर आज डिटेल में बात होगी। सेकंड हम बात करेंगे कि सेल्स का एनालिसिस, अभी जिस तरीके से हम अपने सेल्स को कर रहे हैं उसका एक डीप एनालिसिस होगा, जो आपको एनालिसिस करने के लिए एक्टिविटी शीट दी गई है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे मार्केटिंग फैक्टर्स होते हैं सेल्स को बिल्ड करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम सब चाहते हैं हमारा जो सेल है वो 10x ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि सेल्स को अगर बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू डेवलप अगर करते रहना है तो हमें कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो कुछ स्ट्रेटजी आज आप लोगों के बीच में बांटी जाएगी जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। ये पूरा का पूरा हमारा जर्नी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाई वी ऑल आर हियर, अब आप लोगों को आंसर करना है कि आप सब लोगों को फोन किया गया था, आप सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, और जो लोग LDP में पार्टिसिपेट है उन लोगों का ग्रेजुएशन आज यहां पर है, उस पर्पस से वो लोग भी यहां पर आए हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको यहां आने की आपकी वजह क्या है। यस, व्हाई वी ऑल आर हियर? सेल्स बढ़ाने के लिए, ग्रेट। और यस सर, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे लीड कैसे जनरेट हो, वो जो हमारे टारगेट है वो वाली लीड कैसे जनरेट हो। ग्रेट, यस, एनीवन? सबको सब कुछ पता है बट एक जगह पे आके रुक गए। ओके, सो सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो सब लोग यहाँ पे जानने आए कि अभी कौन सा ऐसा चेंज हमारे बिजनेस में या तो हमारी लाइफ में लेके आएंगे कि जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से जितने भी टॉपिक यहाँ पर आगे स्टार्टिंग के अंदर मैंने डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है और कर भी रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को हम रन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें अपने से हो जा रही है और कुछ चीज़ें अपनी छूट जा रही है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं कर पा रहा हूँ और क्या मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से हम यहाँ पर आए। यस सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेकिन बात यह आती है कि हम सब लोगों को हमारा पर्पस क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो पर्पस के साथ होता है। विदाउट पर्पस अगर कोई भी चीज की जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि यहां पर स्टार्टिंग के अंदर ही बसंत जी ने आप लोगों को शेयर किया कि गुरुकुल अगर काम कर रहा है तो गुरुकुल का एक पर्पस है। क्या पर्पस है कोई बताएगा? आप लोगों को अभी शेयर कर गया कि हमारा कोर पर्पस क्या है। हमारा कोर पर्पस ये है कि हम इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाने में 90% कंट्रीब्यूशन होता है MSME सेक्टर का। तो अगर MSME सेक्टर ग्रो करेगा तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये हमारा कोर पर्पस है और इस पर्पस के साथ हम यहां पर आप लोगों के बीच में है। अब आप लोगों को क्लियर करना है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपके कॉम्पिटिटर के बीच में आप जिस कंपनी को रन कर रहे हो उसको लेकर आपका पर्पस क्या है। क्योंकि एक टाइम तक आपकी कंपनी पैसे के लिए काम कर सकती है, लेकिन लाइफ टाइम अगर आपकी कंपनी को ग्रो करना है तो खाली पैसा आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। यू गॉट इट माय पॉइंट? अगर वो पर्पस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर पाओगे, और वो पर्पस जितना बड़ा होने का मतलब ये है आपकी कंपनी का विजन होना चाहिए, आपकी कंपनी का मिशन होना चाहिए, आपकी कंपनी का गोल होना चाहिए, और आपकी कंपनी में काम करने वाले लोगों के बीच में एक हेल्दी कल्चर होना चाहिए। और ये सब कुछ जब आप बिल्ड कर रहे होगे
तब वो सब लोग मिलकर एक पर्पस को पूरा करेंगे, और पर्पस को पूरा करना मतलब ये सोसाइटी में, कंट्री में या आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें चल रही है उसमें क्या ऐसी चैलेंजेस आ रही है जिसका सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन आपकी सर्विस हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन आप कुछ नया क्रिएशन कर सकते हो। हम सब लोग यहां पर जैसे स्टार्टिंग के अंदर ही सर ने बताया कि सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम यह है कि पता होने के बावजूद भी वो चीज हो नहीं पा रही है। जिसको हम यहां पर कहेंगे हमें आता सब कुछ है, अंडरस्टैंडिंग हम सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, उन चीजों को अप्लाई करना, और अप्लाई नहीं होने के पीछे की वजह क्या है। जैसे कि कितने लोग यहां पर बैठे ऐसे हैं जिन लोगों को पता है कि रोज सुबह जो है वो जल्दी उठना चाहिए, और कितने उठते हैं। कितने लोगों को पता है कि बाहर का फास्ट फूड खाना नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करता है, और कितने लोग नहीं खाते। पानी पूरी तो चाहिए, बड़ा पाव तो चाहिए, दाबेली तो चाहिए, और यहाँ का तो क्या है, घुघरा चाहिए, दाल पकवान चाहिए, वो चले यही चाहिए, संडे हो तो फिर बाहर ही जाना है। तो कई बार कई चीज़ें हमें पता होती है लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये आ जाती है हमारा उस काम को करने का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर नहीं होता है, वाई जो है ना वो क्लियर नहीं होता है। तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी आएगी जो देखने के बाद आपको ये लगेगा, हाँ ये तो मुझे पता था, हाँ ये तो मुझे आइडिया था, हाँ ये तो मैंने कहीं देखा था, हाँ ये तो मैंने कहीं सुना था, या ये तो मेरे वीडियो के अंदर आ गया था। लेकिन आज हम बैठकर उसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं, तीन कैटेगरी के लोग ऑलवेज हर एक फंक्शन के अंदर हम देखते हैं, और यहां पर बैठे जो जितने भी लोग हैं वो सब लोग ये तीन में से किसी एक कैटेगरीज के अंदर हो गए। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। नंबर वन कैटेगरी प्रोग्राम अटेंड करने के बाद निकलेगी जो एक बेहतरीन इंप्लीमेंट करने वाले लोग हो गए, मतलब जिन्होंने सीखा, सुना, किया, शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर दिया। दूसरी कैटेगरी यहां पर ऐसी होगी जो क्या हो गए, सोचने वाले, थिंकिंग। तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा सोचने के पीछे जो है वो टाइम निकाल देते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वो डिसीजन नहीं लेते, खाली सोचते रहते। और तीसरी कैटेगरी यहां से ये निकल कर आएगी जो हमारा वाला काम करते, मतलब यहां से बाहर निकलेंगे, दो चार पांच दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, बीच में आएंगे, गल्ले पर आएंगे, बोलेंगे लाओ माओ निकालो, घिसेंगे और बातचीत करना शुरू करेंगे कि यार हम गए थे गुरुकुल के एक प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छी डिस्कशन हो रही थी, ये टॉपिक के ऊपर बात हुई, ये सब कुछ करना है किसको, आपको, अपने को नहीं। मतलब उन्होंने ये कसम खा ली है कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मुझे बदल सके, और वो बदलना चाहते भी नहीं है, लेकिन वो कामयाब जरूर होना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कामयाब होना है तो बदलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से हम सब लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे, फर्स्ट वाली में आएंगे। कितने लोग हैं फर्स्ट वाली में आने वाले, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, ग्रेट। सेकंड में आने वाले, अब तो नहीं करेंगे। थर्ड में आने वाले, अब तो नहीं करेंगे, ग्रेट। तो हम सब लोग पहली कैटेगरी में आएंगे, और जितना अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करोगे उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस पर्पस से हमें इंप्लीमेंटेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर लिखी हुई है, क्या है कोई पढ़कर बताएगा, इससे पहले का जो सेंटेंस था या 20वीं सदी का जो सेंटेंस था वो ये निकल जाता था, ये भी निकल जाता था, वहां पर सेंटेंस ये आता था नॉलेज इज पावर 20वीं सदी में। मतलब ये कहा जाता था कि जिसको सब कुछ पता है ना वो पावरफुल है,
और फिर गूगल के ऊपर सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। तो आज नॉलेज जो है वो इजीली अवेलेबल सब लोगों को हो चुका है, लेकिन अब पावरफुल कौन बनेगा? जो जिम में जाएगा, जाने के बाद फॉर्म भरेगा, पैसा देगा, पैसा देने के बाद जो ट्रेनर होगा वो उसको गाइडलाइन करेगा और उसके हिसाब से वो अपनी बॉडी को फिट करेगा। नहीं तो कई लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म भर देने से मेरी सिक्स पैक बॉडी बन जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। वर्कआउट तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है, नॉलेज तो आपने ले लिया, लेकिन उसको कैसे अमलीकरण में लेकर आना है, इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है, उसके ऊपर तो एफर्ट आपको ही लगाना पड़ेगा।